हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज का एक वीडियो थोड़ा सा एक कुछ न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आए थे, उनका वीज़ा यहाँ पर कैंसिल हो गया है। वो भी कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जितने भी इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट के थ्रू एजेंट को पैसे देते हैं, एजेंट जो है उनकी एप्लीकेशन करता है। तो अगर एजेंट ने कुछ भी अगर झूठ बोल दिया एप्लीकेशन में, तो उसका जो खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जैसे कि आपने अभी टाइटल देखा इस न्यूज़ का, इसमें यही बताया गया है कि जो उनका एजेंट था उसने जो है इसमें एक गलत टिक कर दिया था। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो खामियाजा था उस स्टूडेंट को भुगतना पड़ा, उसको जो है वीज़ा रिजेक्शन हो गया। हुआ क्या था इस केस में, एक लड़का था जो 2012 में उसने एप्लीकेशन किया था, तो उसने कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो छुपाई थी। मतलब उसने नहीं छुपाई थी, उसने तो बताया था एजेंट को, मगर एजेंट ने छुपा दिया। एजेंट ने वहाँ पर उसको करना था यस, उसने वहाँ पर नो कर दिया और उस टाइम पे उसका वीज़ा हो गया था रिफ्यूज़ल। फिर उसने दोबारा से अप्लाई किया अभी रिसेंटली, और अभी क्या होगा, जब उसने दोबारा से अप्लाई किया फिर इस बार जो उसने खुद से वीज़ा किया या दूसरे एजेंट के थ्रू किया, तो उसने उस कॉलम की जगह पर फिर से जो है यस कर दिया। तो यस किया, पिछले वाले में उसने जो है नो किया था। तो ये जो है मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी जो है ये की बात हो गई, एक बार आप ना कर रहे हैं एक बार हाँ कर रहे हैं ना। और सेम बंदे की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर पहले वाली जो एप्लीकेशन थी उसको भी आपका जो मिलान किया जाता है कि उस टाइम पे क्या था और अब आप क्या कहते हो। तो एक ही जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर कि आपने पहले किया था वही, सेकेंड टाइम कर रहे हैं आप तब भी वही। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है सेम बात आपको करनी चाहिए हमेशा। अभी होता क्या है कि उस टाइम पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, हमने जस्ट अपने कोई डॉक्यूमेंट दे दिए एजेंट को, एजेंट ने जैसा चाहा ऐसे ही फिल कर दिया। जो स्टूडेंट का जो वीज़ा होता है उसमें एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना वीज़ा खुद फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है और ऑनलाइन सिस्टम है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर दिया है। आप खुद से जब आंसर करेंगे तो आपको खुद से मालूम होगा और आप जो है सही सही जो है आंसर करेंगे। जब सही सही आंसर करेंगे तो फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब जो ये जो स्टूडेंट था इसको वीज़ा हो गया था और ये यहाँ आ गया था, स्टडीज़ कर रहा था, इसको जो है यहाँ से उसको वापस भेजा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो है अब इस टाइम पे आके इसकी जो है लाइफ ख़राब हो गई थी ना। तो आपकी मैं ये वीडियो का मकसद यही था कि हम एजेंट के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें या एजेंट के भी रिलाई करें, मगर आप अपने साथ मतलब उसके साथ में बैठ जाएं, उसके सामने बैठ जाएं, आप उसको बताते जाएं कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो अपने सामने अपनी एप्लीकेशन करवाएं, है ना, और तभी ये पॉसिबल है। वरना अगर वो आपके पीछे करता है, आपके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन करता है, तो कुछ अगर गलती हो गई तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसका तो कुछ नहीं, एजेंट का तो कुछ नहीं गया, इस बच्चे की जो थी मतलब जो है एक लाइफ ख़राब हो गई। अब ये वापस किया, डिपोर्ट कर दिया गया है इसको, है ना। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो वह बस बी केयरफुल रहें। जो भी इंफॉर्मेशन है, इवन यहाँ इंफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं, आप फेसबुक पर भी अपनी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्टली दें, कोई भी इसमें छिपाएं नहीं वहाँ पर भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं चेक करते हैं। इवन इनका जो एक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं ना आपके घर पे जाके, अगर स्पेशली जो है कुछ इनको अगर डाउट हुआ तो स्पेशली जो है उस केस में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। अगर ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शायद इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपके केस के बारे में, है ना। तो सही सही पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अपने सामने करें, खुद से करें, या अगर एजेंट से करवा रहे हैं तब भी अपने सामने बताएं और सही इन्फॉर्मेशन दें, कुछ भी इसमें झूठ ना बोलें, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।